वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज आपके लिए दोबारा से टॉपिक लाए हैं थैलेसीमिया पे। जो टॉपिक लेंगे बीटा थैलेसीमिया माइनर पे लेंगे कि उनका जो स्किन जो है वो येलो क्यों रहती है, इसमें पूरा ही डिस्कस करेंगे। और ये भी डिस्कस करेंगे कि रेमेडीज क्या है उसको दूर करने के लिए जो येलो स्किन रहती है। सबसे पहले फ्रेंड्स बात करेंगे पीलिया जो बीमारी है जिसमें मतलब येलो स्किन रहती है, इसमें क्या होता है कि बीटा थैलेसीमिया माइनर में एस्पिलिब्रियम बढ़ जाता है। तो हमको पता ही नहीं चलता है कि हमको अब मेडिसिन कौन सी खानी है, क्योंकि इसमें देखा गया है कि जो बीटा थैलेसीमिया माइनर पेशेंट है उनमें जो एस्पिलिब्रियम है वो जब भी वो टेस्ट कराएंगे 3, 4, 5, 6, 7, even 8 तक हो जाता है। तो इसलिए अगर 8 तक भी हो जाए तो ये बीटा थैलेसीमिया जो माइनर पेशेंट्स हैं उनमें ये नॉर्मल है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। तो इसलिए मैं उनको ये पता ही नहीं चलता कि अब हम क्या ट्रीटमेंट ले, अब हमको फर्दर कौन सी मेडिसिन लेनी है, इसलिए मैं पूरा ही आपको गाइड करूंगा। तो दोस्तों अगर आपने फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट की है तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियो। तो मेरे चैनल पे और भी वीडियो पड़ी हुई है बीटा थैलेसीमिया माइनर के जो ट्रीटमेंट है, होम ट्रीटमेंट्स हैं, सारा ही पड़ा हुआ स्प्लीन से रिलेटेड। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके तो वो जो दूसरी वीडियोस हैं वो भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स अब चलते हैं हमारा जो मेन टॉपिक है बीटा थैलेसीमिया माइनर में क्या रहता है कि उनमें जो एस्पिलिब्रियम है वो हाई रहता है। लेकिन जब भी हम टेस्ट कराने जाएं हमको सिर्फ एस्पिलिब्रियम ही नहीं टेस्ट कराना है, हमको जो भी टेस्ट कराना है उनके अंदर रहता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अगर तो आपका डायरेक्ट बढ़ा हुआ है इसका मतलब ये है कि वो जो आपको पीलिया हुआ है तो वो आपको लीवर की प्रॉब्लम की वजह से हुआ है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, लीवर की आप जो मेडिसिन आती है यूडिलीव आती है या लीव 52 आती है तो वो आप कंज्यूम करते हैं। लेकिन क्या देखा गया है कि जो बीटा थैलेसीमिया माइनर पेशेंट है उनमें जो डायरेक्ट ब्लूरिम रहता है वो तो कम ही रहता है, लेकिन जो इनडायरेक्ट जो पीलिया या जिसे हम जॉन्डिस भी बोलते हैं इनडायरेक्ट वाला जब वो टेस्ट कराते हैं वो इंक्रीज रहता है। उसका जो मेन कारण क्या है कि जो बीटा थैलेसीमिया माइनर पेशेंट है उनमें जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो नॉर्मल व्यक्ति के पर्सन के मुताबिक जल्दी ब्रेक डाउन हो जाते हैं। और उनके ब्रेक डाउन होने की वजह से क्या होता है कि इनडायरेक्ट जो एस्पिलिब्रियम है वो बढ़ जाता है। तो उस वजह से क्या होता है कि जो स्किन होती है वो येलो हो जाती है, थोड़ी येलो ही रहती है उसकी स्किन, जो यूरिन है वो भी थोड़ा येलो तरह का आता है। अब हमको जो इनडायरेक्ट अगर किसी का बढ़ा है तो अगर उसको डायरेक्ट डॉक्टर प्रिस्क्राइब करा है यूडिलीव या लीवर से रिलेटेड कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करा है तो वो काम नहीं आएगी। इसमें हमको चेक करना है कि हमारे जो रेड ब्लड सेल हैं वो उसकी लाइफ वो जल्दी ब्रेकडाउन ना हो, अगर ब्रेकडाउन हो भी रहे हैं तो जल्दी से वो उनकी जो जल्दी से जो बढ़ने की जो क्षमता है वो जल्दी से तेजी से बढ़े। तो उसके लिए जो ट्रीटमेंट है वो रहेगा कि जो बीटा थैलेसीमिया माइनर है वो एज वाइज 7 साल से अगर ऊपर बच्चा है या 7-15 का है या मेल फिर 30 का कोई पहुंच गया, 40 वाला या 45 वाला मेरी वीडियो देख रहा है, तो उनको क्या करना है अपना लाइफ स्टाइल में थोड़ी मल्टीविटामिन्स गेन करनी है। वो मल्टीविटामिन्स में आपको बता रहा हूँ कौन कौन सी लेनी है और कौन कौन सी नहीं लेनी है। सबसे पहले बी कॉम्प्लेक्स जो मल्टीविटामिन है वो डेली वो ले सकते हैं, इसका बहुत ही अच्छा रोल देखा गया है जो रेड ब्लड सेल जो ब्रेक डाउन होते हैं उनसे क्या होता है कि बी कॉम्प्लेक्स जो कंटिन्यू लेता है बीटा थैलेसीमिया माइनर पेशेंट तो उनके जो रेड ब्लड सेल हैं वो जल्दी ब्रेक डाउन नहीं होते। दूसरी जो मल्टीविटामिन है वो फोल वाइट है, वो भी उनको डेली लेनी है, एज के मुताबिक वो एडजस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद B12 जो मल्टीविटामिन देखी गई है इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं देखे गए हैं बीटा थैलेसीमिया माइनर पेशेंट पे। उसके बाद विटामिन ई का भी बहुत ही अच्छा रोल देखा गया है बीटा थैलेसीमिया माइनर पेशेंट पे।
बाकी बहुत ही क्या देखा गया है, बीटा थैलेसीमिया माइनर जो पेशेंट होते हैं वो क्या करते हैं कि वो आयरन लेना शुरू करते हैं, आयरन सप्लीमेंट। आयरन सप्लीमेंट उनको नहीं लेनी है क्योंकि आयरन से क्या होता है कि आयरन हार्ट में या लीवर में या होर स्प्लीन में डिफरेंट जगह वो स्टोर हो जाती है। अगर ऑलरेडी आपकी बॉडी में आयरन पूरी है तो आप एक्सेस ले रहे हैं तो वो फिर डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर होना शुरू हो जाती है, उससे क्या होता है कि वो पार्ट्स डैमेज होने का खतरा रहता है। आयरन तब तक नहीं लेनी है जब तक आप आयरन का जो पैनल है आयरन टेस्ट नहीं करवा लें। अगर आपके बॉडी में जो आयरन है वो कम है तो फिर आप आयरन ले सकते हैं, लेकिन बीटा थैलेसीमिया जो प्रेग्नेंट लेडी है उनके लिए आयरन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बीटा थैलेसीमिया माइनर में अगर किसी लेडी को प्रेगनेंसी हुई है तो उनको आयरन जरूरी लेनी पड़ती है, तो उनको डॉक्टर और गायनोकोलिस्ट भी उनको प्रिस्क्राइब करते हैं आयरन के लिए। लेकिन जो नॉर्मल पर्सन है उनको तब तक आयरन नहीं लेनी है कि जब तक उनका अगर आयरन लेवल है लो नहीं है। लेकिन जो बी कम्प्लेक्स देखा गया है, B12 या फोलाइट जो मैंने पहले आपको बताया या विटामिन ई बताया, वो अगर बॉडी में ज्यादा भी हैं उसके बिना टेस्ट कराए भी वो ले सकते हैं। अगर वो ज्यादा भी बॉडी में होंगे तो उसका कोई नुकसान नहीं है, वो क्या होगा कि यूरिन के थ्रू फ्लश आउट हो जाएंगे। उसके बाद एक बहुत ही ज्यादा जो मल्टीविटामिन रोल प्ले करती है, बहुत ही देखा गया है कि धड़कन बढ़ जाती है, उनको लगता है हमको पता नहीं क्या हो गया, कोई हार्ट में कोई दिक्कत हो गई है बीटा थैलेसीमिया माइनर पेशेंट को। तो टू साइड्स जो हार्ट की धड़कन को कंट्रोल करने के लिए एक बहुत ही अच्छी मल्टीविटामिन है वो है मैग्नीज़म। लेकिन जो मैग्नीज़म लेनी है वो आप देख लीजिए कैल्शियम के साथ आपको मिक्स करके लेनी है, मार्केट में कोई देख लीजिए कैल्शियम भी हो उसमें और मैग्नीज़म भी हो। इसका क्या देखा गया, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखा गया है बीटा थैलेसीमिया माइनर पेशेंट्स में। उसके बाद जो ले सकते हैं D3 सैशे आते हैं वो भी वीकली लेने हैं, 4 वीक्स के लिए ले सकते हैं। उसके बाद 2 महीने बीच में ब्रेक डालना है, उसके बाद दोबारा से ही ये कोर्स स्टार्ट कर देना है। D3 के शॉट्स भी आते हैं वो भी ले सकते हैं, वो भी बाई माउथ ही लेने हैं। तो इनका भी जो रिजल्ट देखा गया है बीटा थैलेसीमिया माइनर पेशेंट में बहुत ही अच्छा गया है। इससे क्या होता है उनकी जो लाइफ बहुत ही अच्छी रहती है, वो वर्किंग वगैरह कर सकते हैं अच्छे से। उसके बाद देखा गया है कि जो बीटा थैलेसीमिया माइनर में अगर वो कोकोनट वाटर कंज्यूम कर रहे हैं, सर्दियों के मौसम में थोड़ा कम कंज्यूम करें, लेकिन अगर गर्मी है तो कोकोनट वाटर का बहुत ही अच्छा देखा गया है कि कोकोनट वाटर जो लेते हैं उनमें लीवर की प्रॉब्लम या स्प्लीन की प्रॉब्लम बहुत ही कम हो जाती है। इसलिए कंटिन्यूसली उनको गर्मी का मौसम है तो हफ्ते में 2 मरतबा तो उनको कोकोनट वाटर कंज्यूम करना ही है। इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं बीटा थैलेसीमिया माइनर में। उसके बाद देखा गया है बीट ग्रास भी वो ले सकते हैं, हफ्ते में 2 टाइम्स ले सकते हैं, वो भी एज के मुताबिक वो एडजस्टमेंट कर सकते हैं अपनी। सभी जो एज गैप के जो पेशेंट है बीटा थैलेसीमिया माइनर उनमें जो देखा गया है कि बीट ग्रास का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। फ्रेंड्स, जो ज्यादा से ज्यादा मैं कवर करने की कोशिश की है बीटा थैलेसीमिया माइनर पेशेंट्स के लिए, लेकिन अगर आपके भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी ही हेल्प करूंगा और आगे ऐसी ही वीडियो लाता रहूंगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, साथ में कमेंट बॉक्स में कोई अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।